इंडिया ने सीरीज अपने नाम कर ली है। सूर्या कुमार यादव पहली दफा कैप्टन बने और छा गए। क्या कहेंगे कैप्टनसी? दुनिया कहती थी कि यार इंडिया के पास बॉलर नहीं है, बॉलर नहीं है, बॉलर नहीं है। अब उन्होंने मेन लीड बिठाई हुई है ना, बुमराह, सिराज, शमी तीनों बिठाए हैं, जडेजा भी बिठाया, फिर भी ऑस्ट्रेलिया को सीरीज मार दी। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी सी अब शर्म खानी चाहिए। का नहीं लगता बंदे की दीदा दिलेरी देखी जाती है जा फिचानी। सबसे पहले नंबर मैं जो सूर्य कुमार यादव है ना, उसकी यानी सोच को सैल्यूट करूंगा, वो रोहित शर्मा की तरह वो मुझे नजर आया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिकेट पिलर चैनल पर। भारत ने सीरीज जीत ली और उसके बाद से सूर्य कुमार यादव को चारों ओर से प्रशंसा मिल रही है, उसमें एक पाकिस्तान भी है। तो देखें पाकिस्तानी मीडिया जनता क्या कहती है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी के बारे में, रिंकू सिंह की बैटिंग के बारे में और जितेश शर्मा का क्या गजब स्ट्राइक रेट है भाई। तो देखते हैं पाकिस्तानी लोग इस मुद्दे पर क्या विचार कर रहे हैं और किस तरह से तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, और आगामी क्रिकेट को लेकर कुछ छोटे बड़े अपडेट्स भी हैं। देखते हैं सीरीज पर पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन। दुनिया कहती थी कि यार इंडिया के पास बॉलर नहीं है, बॉलर नहीं है, बॉलर नहीं है। अब उन्होंने मेन लीड बिठाई हुई है ना, बुमराह, सिराज, शमी तीनों बिठाए हैं, जडेजा भी बिठाया, फिर भी ऑस्ट्रेलिया को सीरीज मार दी। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी सी अब शर्म खानी चाहिए। इंडिया बाप है, जो क्रिकेट का भी बाप है, उन्होंने बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, कनाडा हो, कोई भी, हमें कोई मसला नहीं है। जो बाप बन चुका है इंडिया है, वो उसके अलावा कोई भी नहीं है। इंडिया की तैयारी मैं कहता हूँ अगले T20 के, उससे अगले T20 के लिए भी तैयार है। वो उनके पास इतने प्लेयर्स हैं, अगले 10-15 साल के लिए उनको टेंशन नहीं है, इतने टेंशन है, उनको समझ नहीं आती किसको चांस दे किसको ना दे। रिंकू सिंह का जो मैं फैन हूँ ना, उस बंदे के मैं कॉन्फिडेंस का बहुत फैन हूँ यार। जब वो विकेट पे बारी लेने आता है, आप उसका कॉन्फिडेंस देखा करो, चाहे वो सामने ऑस्ट्रेलिया, चाहे मिचेल स्टार्क भी लगा हो, उसने ऐसे ही बारी लेनी है। आज उन्होंने जो है अक्षर पटेल ने जो है 3 विकेट ली, उसके बाद दीपक चाहर उनका नया बॉलर था, उसको पहले ओवर में 22 स्कोर लगा, लेकिन उसने आके कम बैक किया, वो उसने प्रेशर नहीं लिया। ये IPL का टैलेंट असल में ये है कि भाई उसने प्रेशर नहीं, एक ओवर में जिसको 22 स्कोर लग जाए उसका तो वैसे ही बॉडी कांपने लग पड़ती है, लेकिन उसने जैसे आके कम बैक किया, 4 ओवर करवाए और 44 रन दिया और 2 विकेट ली, तो उसने बड़ा जबरदस्त जो है परफॉर्म किया। अक्षर पटेल ने भी किया। ओवरऑल अगर बॉलिंग की बात की जाए तो आज क्रेडिट जो है सारा बॉलिंग को जाता है। क्या बातें करते हो तुम ये सूर्या कुमार यादव के लिए, क्या कह रहे थे? और वो भी बाहर निकले, कौन है वो, कहाँ बैठ के चांद पे बैठ के यूट्यूब करते हैं जो कहते थे जितेश शर्मा बेकार खिलाड़ी है। हाँ। अबे मेरी नजर पे सवाल उठाओगे तुम? अबे बजाती उसने 200 का स्ट्राइक रेट, उसने जिस नंबर पे मारा है ना, 5-5 साल से दुनिया में विकेट कीपर नंबर 1 पे खेल रहे, लेकिन कभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 200 का स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं किया है। तो इसलिए कहते हैं कि भरमबाजी मत किया करो और कॉपी नहीं किया करो चीजों को, कि कॉपी करने से कुछ हो जाएगा कि जितेश खराब है तो वो अच्छा है, हम भी तुक्का लगा ले, इनकी बातें कैसे सही होती है। तो बेटा तुक्का नहीं लगता, बंदे की दीदा दिलेरी देखी जाती है जा फिचानी। और कल ही बताया था कि अक्षर पटेल को जब ये पता चलेगा, भाई बॉलिंग उसकी अभी भी कह रहा हूँ एवरेज है, बट जब उसे ये पता चलेगा कि वो बतौर प्रीमियर ऑलराउंडर T20 खेल रहा है, तो वो बजा देगा, लिटा देगा, घुसा देगा। इंडिया ने सीरीज अपने नाम कर ली है। सूर्या कुमार यादव पहली दफा कैप्टन बने और छा गए। क्या कहेंगे कैप्टनसी पे? यार ये गुल्लक कहूंगा मैं उसकी, ये गुल्लक थी, उसने मतलब पहली दफा कैप्टन बनना है। देखिए लास्ट इवेंट जो गुजरा वर्ल्ड कप का, वो बंदा पूरी तरह फ्लॉप था, उन्होंने उसे डिग्रेड नहीं होने दिया, या तो उसे टीम से नहीं निकाला, उसने उसे कैप्टनसी दी है। कैप्टनसी देकर उसका हौसला बढ़ाया, उसने परफॉर्म किया, किसी भी इवेंट में वो चला नहीं, पूरे इवेंट में फ्लॉप है, और आते साल उसने T20 में परफॉर्म किया, आज के इवेंट में आज के दिन में चला। ये जो इंडिया ने आ दिया, ये सरप्राइज दिया सूर्य कुमार यादव ने, क्योंकि जैसे कि आपको पता है लास्ट टाइम भी इंडिया ने 10 के 10 मैच जीते थे वर्ल्ड कप में, और उसके बाद में हार गए ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से, लेकिन आज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा के सूर्य कुमार ने यह बता दिया कि भाईजान तुम चाहे हमें वर्ल्ड कप हरा दो, लेकिन सीरीज हमने तुमसे जीत के जाए, क्योंकि इंडिया हमेशा सरप्राइज देता है। इंडिया की आदत है जब भी वो खेलेगा परफॉर्म करेगा और परफॉर्म करके सरप्राइज देगा। आपको ये भी पता चल गया होगा, इंडिया पहले 2 मैच जीता, तीसरा मैच हारा, और चौथा मैच इंडिया आज हार भी जाता इंडिया को फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन उन्होंने जानबूझ के ये मैच जीता है। और आज के मैच में यार सबसे पहले नंबर मैं जो सूर्य कुमार यादव है ना, उसकी यानी सोच को सैल्यूट करूंगा, वो रोहित शर्मा की तरह वो मुझे नजर आया। उसने स्पिनर्स पे स्पिनर लगवाए हैं, उसको नजर आ गया था कि यार ये स्पिनर्स को ऑस्ट्रेलिया अच्छा नहीं खेल पा रहे, उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है, उसने लगवाए हैं उनसे मैच, यानी कि स्कोर नहीं बढ़ना। देखें इंडिया ने 206 का टारगेट अचीव किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया ने उसके बाद इंडिया के खिलाफ 222 का टारगेट था जो चेस किया, आज 175 का टारगेट था जो कि ऑस्ट्रेलिया ने चेस करना था, नहीं कर पाई इंडिया ने, इतना छोटा टारगेट दिया। सब समझ रहे थे कि आज के मैच के अंदर इंडिया यानी कि लूज कर जाएगा, टारगेट बड़ा नहीं है, यानी कि बॉलर्स अच्छे नहीं है। आज जो अक्षर पटेल ने कर दी है, चार ने कर दी है, उसके बाद वो
आई थिंक उसका नाम रवि है, जो रवि बिश्नोई, रवि बिश्नोई, उसने जैसे परफॉर्म किया है। तो देखे ना, ऐसे बॉलर जब इंडिया की टीम से निकल के आएंगे तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कैसे नहीं मैच उड़ाएगी, मराएगी भी, जलील भी करेगी और रोके उनको घर भी भेजेगी। मैं तो यही कहूंगा। ऑस्ट्रेलिया भारत की तो सीरीज चल रही है, अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी शुरू होने वाली है और पाकिस्तानी टीम पहुंच गई है ऑस्ट्रेलिया। और इस फोटो को देखकर मुझे लगा कि 200-300 घंटे तो लगे होंगे। पाकिस्तानी टीम को इस ट्रैक से ऑस्ट्रेलिया पहुंचने में आपको शायद ये भी लग सकता है कि ट्रक भरकर सामान लेकर गई है, परमानेंट शिफ्ट नहीं होगी। पाकिस्तानी टीम वहाँ एनी वे ऑस्ट्रेलिया पहुँच गई है, पाकिस्तानी टीम टेस्ट सीरीज होगी। अब देखते हैं पाकिस्तानी पड़ोसी क्या कहता है। ये हमारे एक भाई बड़े अच्छे फनी है, ये देखो पीके वाली जो हरकतें कर रहे हैं, इनसे पूछेंगे इनको कैसा लगा मैच। हाँ भाई ठीक है, इधर आओ, इधर आओ, इधर आप भी इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सलाम। अच्छा मेरी बात सुनो, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है और आज इस तरह मैच का इंटरव्यू है। हाँ एक मिनट, एक मिनट, आप बोलो। अच्छा वो अभी वो आपके साथ हैं, वो साथ साथ काम करते हैं। मेरी बात सुनो यार, मेरी तो गल सुनो। हाँ भाई बोल। मैं बुलाया जी सर। अच्छा आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है, इंडिया ने अपने सीरीज जो अपने नाम कर लिया, क्या कहना चाहेंगे सर? तीन सीरीज। अरे बाबा छोड़ो रे बाबा, तुम बार बार ऑस्ट्रेलिया का नाम ले रहे हो, इंडिया देख रहे हो। भाई इंडिया का नाम ले रहा हूँ मैं, इंडिया ने सीरीज अपने नाम। तुम पाकिस्तान इंडिया का नाम क्यों ले रहे हैं? इंडिया अच्छा परफॉर्म करते हैं इसलिए। हाँ इस तरह बोल यार, बेसिकली बात ये है कि इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत मज़ा आया। ये श्री राम प्रभु देवा अभिनंदवी मानव, क्या हुआ ये मैच कैसे निकल गया? इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है यार, जैसी उनकी आज बॉलिंग थी यार, मतलब कि आज तो उन्होंने बिल्कुल पिछाड़ के रख दिया यार, मतलब बिल्कुल आज आउटस्टैंडिंग था, माइंड ब्लोइंग था मैच। मुझे मतलब पहले तो स्टार्टिंग में लग ही नहीं रहा था कि भाई इंडिया जीतने वाला है, लेकिन जिस तरह आज उन्होंने बॉलिंग की है ना, मतलब कि यार बातें छोड़ दो यार। हम लोग तो आज से पहले स्काई को जानते थे एज मिस्टर 360 और ये ग्राउंड में हर जगह छक्के मारते, कैप्टन जो है एक नया टैग मिल गया यार। शायद मेरे मैं वही बता रहा हूँ कि ये चाहे वो बंदा बहुत डिग्रेड हो गया हुआ था। हाँ। कि मैं परफॉर्म नहीं कर रहा T20 में, ओपन वर्ल्ड कप में, ओडीआई में, वर्ल्ड कप में जरा भी परफॉर्म नहीं हुआ, बड़ी कोशिश ने की है, पर वो ना उसका मोरल डाउन होना चाहिए था, बट नहीं, उनकी टीम ने सपोर्ट किया। यूनिटी है इंडिया की टीम, यूनिटी बड़ी अच्छी है। मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा हैप्पी हूँ। कल तक मेरा बड़ा डाउट था कि आज का मैच जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। जाहिर बात आज है, वाकई मुश्किल भी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हाँ जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल था मैच, लेकिन ये है कि इन द एंड ऑफ द डे इंडिया ने जीत लिया। मैं सही बताऊँ तो मेरी कल तक जो प्रिडिक्शन थी वो यही थी कि इंडिया को जो है वो ये मुश्किल टाइम देने वाले हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया, तो शायद हो सकता है इंडिया जो है वो आज हार जाए। लेकिन मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है जिस तरह से इनके बॉलर्स ने डिफेंड किया है, नो डाउट खेले हैं, 170 के करीब उन्होंने जो स्कोर किया है, वो बैट्समैन ने इतना अप टू द मार्क स्कोर नहीं किया जो करना चाहिए था, 200 से ऊपर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उतना किया नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बॉलर्स ने अपनी बॉलिंग से इनकी विकेट्स को डाउन किया, जिसकी वजह से ये आज जीत सके हैं। तो दोस्तों यह कहानी पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी जनता की जुबानी रिंकू सिंह पर आई। कई दिनों से हम चर्चा सुनते आ रहे हैं, रिंकू सिंह का स्ट्राइक रेट, उनका कॉन्फिडेंस, उनके सिक्स, सब कुछ। लेकिन जितेश शर्मा जब जरूरत थी रिंकू सिंह के साथ किसी न किसी को खड़ा होने की, तो सूर्य कुमार यादव ने ऐसा नहीं कर पाया, तो वह सब कुछ किया जितेश शर्मा ने। उनका स्ट्राइक रेट देखकर दांतों तले उंगलियां दबा दी लोगों ने। T20 वर्ल्ड कप और ऐसे में कौन खेलेगा, कौन बैठेगा, कौन होगा स्क्वाड में, बहुत ही तगड़ी दिमागी कसरत करनी पड़ेगी BCCI को। अभी के लिए यहाँ हुई बातचीत पर आपका क्या ख्याल है? आपके दिल में किसी भी तरह का ख्याल हो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।